चाणक्य साहब बोलते हैं कि जिस देश का अपना खुद का इतिहास नहीं होता ना, उस देश का अस्तित्व धीरे धीरे लोग भूल जाते हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है, हमारे देश का इतिहास गौरवशाली रहा है। उन गौरवशाली पल को बनाने के लिए हमारे देश के प्रतापी राजा, हमारे देश के प्रतापी भयंकर राजा से राजा, बहुत प्रतापी राजा के नाम में से दो चार गो राजा के नाम आता है। हालांकि राजा को अगर गिनना शुरू आप कर दोगे तो राजा की कमी नहीं है, भारत में प्रतापी राजाओं की कमी नहीं है। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर और भी बहुत बड़े बड़े राजा, उसमें से कृष्णदेवराय, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, ऐसे ऐसे वीर कुंवर सिंह, वो तो हालांकि जमींदार थे, और भी आप देखोगे तो बाजीराव, शिवाजी, ऐसे ऐसे बहुत राजा हुए हैं। उन्हीं में से हम आज कृष्णदेवराय का कुछ बात बताने वाले हैं, अष्ट दिग्गज के बारे में। आपसे परीक्षा में पूछेगा कृष्णदेवराय के किन्हीं चार अष्ट दिग्गज के नाम बताएं। अष्ट दिग्गज क्या होता है इस पर डॉक्टर बताएंगे। उससे पहले हम विजयनगर साम्राज्य के कुछ बेसिक बात बता देते हैं, जहां से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य एक दक्षिण भारत का एक साम्राज्य जिसमें तीन चार गो राज्य आता है, कर्नाटक वाला क्षेत्र में आता है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये जो सामूहिक रूप से है ना, इन्हीं को विजयनगर साम्राज्य पहले के लोग पहले जाना जाता था। विजयनगर साम्राज्य आज वर्तमान में सिमट कर केवल कर्नाटक, विजयनगर एवं कर्नाटक का राज्य बन चुका है। हम्पी उसका राजधानी है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ हुआ करता था? हम्पी। हम्पी इसका स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने मिलकर किया था। विजयनगर एक क्षेत्र है, साम्राज्य है, उस पर चार गो राजवंश हुए हैं। कैसे? चार गो, जैसे दिल्ली सल्तनत में कुल पांच गो राजवंश हुए, उसी प्रकार विजयनगर साम्राज्य में कुल चार गो राजवंश हुए। एक नाम था संगम वंश, जिसका स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। तो हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया और उस साम्राज्य में एक नया राजवंश डाल दिया, संगम वंश। उसका स्थापना 1336 में हुआ और इसका समाप्ति 1485 में हो गया। सुलुभ वंश की स्थापना 1485 में हुआ और 1505 में खत्म हो गया। नरसिंह सुलुभ ने इसका स्थापना किया था। तुलुभ वंश का स्थापना 1505 में हुआ और 1570 में खत्म हो गया। वीर नरसिंह ने किया था। वीर नरसिंह के छोटे भाई हुआ करते थे कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय जो सबसे प्रतापी राजा विजयनगर साम्राज्य में माने जाते हैं, उन्हीं के अष्ट दिग्गज के बारे में आज हमें पढ़ना है। और वीर नरसिंह जब मारे गए ना, 1509 ईस्वी में मर गए, तो इसके बाद कृष्णदेवराय आए और 1509 से लेकर 1529 तक कृष्णदेवराय राजा बनकर रहे। अरविंदो वंश का स्थापना 1570 ईस्वी में हुआ और 1649 ईस्वी में खत्म हो गया। तिरुमूल के द्वारा ये स्थापना किया गया था, ठीक है। इसके बाद हम बताते हैं आपको कृष्णदेवराय के अष्ट दिग्गज के नाम। आपको बता दें कृष्णदेवराय तुलुभ वंश के प्रतापी शासक था, जो तीसरा वंश के राजा का तीसरा वंश था। अमुक्त मूल्य इन्होंने अपने पुस्तक, अपना खुद अपने कोमल हाथों से एक तमिल भाषा में तमिल साहित्य के रूप में एक पुस्तक लिखा। उस पुस्तक के इन्होंने नाम दिया अमुक्त मल्याद। इनको अमुक्त मूल्यद भी कहा जाता है, अमुक्त मल्याद बहु जहाँ अमुक्त मूल्यम बहु एक नाम है। इन्होंने अपने दरबार में 8 गो तमिल साहित्य के तमिल साहित्यकारों को रखा था, तमिल साहित्यकार जो तमिल भाषा में ये लोग पुस्तक को लिखा करते थे और ये सलाहकार भी हुआ करते थे। तो इन 8 लोगों को हम अष्ट दिग्गज के नाम से जानते हैं। पहला अष्ट दिग्गज के नाम है अल्लाह, अलसानी है, पिदना है, नंदी तिमन है, भट्टू मूर्ति है, धुरजट्टी है, धुरजट्टी, एक है माध्यगरी मल्ल, एक है इसी का बड़का नाम है माध्यगरी मल्यन, मुदु पलकक्कू, और सातवा है अचलराजू रामचंद्र, और आठवा है पिंगली सुरन। ये 8 गो अष्ट दिग्गज हुआ करते हैं। 8 गो अष्ट दिग्गज में से आपसे पूछेगा कृष्णदेवराय के किन्हीं चार अष्ट दिग्गज के नाम लिखे हैं। इनमें से आपको 8 में से जो आपको याद रहेगा वो 8 में से आप किसी को लिख सकते हैं, ठीक है।